डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार वर्मा। जैसा कि आपको पता है कि हम आपको बॉटनी पढ़ा रहे हैं और अब तक 55 से 8 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। ये कोरोना का पूरा काल चल रहा है और बार बार गवर्नमेंट गाइडलाइन जारी कर रही है कि घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, जीवन दोबारा नहीं मिलता। अतः ये समय आप घर पर पढ़ने में काम में लीजिए। हम बार बार आपको वीडियो बना रहे हैं, बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। इसको आप किताब की सहायता से देखिए और समझिए तो और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, कंसेप्ट क्लियर होंगे और एग्ज़ाम में अच्छी तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आपका सिलेबस है, जैसा कि हम अधिकतर आपको प्रेजेंटेशन बता रहे हैं, तो ये हम सेकंड पेपर आपको पढ़ा रहे हैं। आज हम जो ये टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं इन्फ्लोरेसेंस टाइप पुष्पक्रम का प्रकार। थोड़ा जटिल सा टॉपिक है, इसलिए हमने कहा था कुछ फैमिली करा के फिर वो हम कराएंगे इसको, तो इस वजह से इसको अब शुरू करा गया है ताकि फैमिली भी समझ में आसानी से आए। पुष्पक्रम, इन्फ्लोरेसेंस इज ए क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस। जो फ्लावर का अरेंजमेंट है, गुच्छे का, फ्लावर के गुच्छे का, ग्रुप का, फ्लावर की एक्सिस पर, उसको पुष्प का क्रम कहा जाता है या इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। ये रेसिमोस प्रकार का या साइमोस प्रकार का या स्पेशल प्रकार का या सोलिटरी फ्लावर्स इस तरह का होता है, इसीलिए हमने इसको ऑब्जेक्टिव टाइप ऑब्लिक ऑब्लिक करके बता रखा है। इफ रेसिमो, अभी डायग्राम भी लेंगे बच्चे, इसका इमेज भी दिखाएंगे, बहुत अच्छे कलरफुल डायग्राम है। इफ रेसिमोस वेदर रेसिमो, तो ये इस तरह के हो सकता है, और अगर साइमोस प्रकार के हैं तो ये यूनिपेरस भी हो सकता है, मल्टीपेरस भी हो सकता है, मतलब इसमें भी अलग अलग वेराइटी है। जैसे रेसिमोस में रेसिम भी है, पेनिकल भी है, स्पाइक भी है, कंपाउंड स्पाइक है, स्ट्रोबिलाई है, स्पाइकलेट है, कैटकिन है, अम्बेल है, इस तरह का है। अगर स्पेशल टाइप भी इनके अलावा तो साइथियम है, वर्टिसिलेस्टर है, जैसा कि तुलसी में है, आइफेंथोडियम है, तो ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार के ये पुष्पक्रम की टाइप है। फिर इनका हम मीनिंग दे रहे हैं कि रेसिमोस क्या है। रेसिमोस इज एन इन्फ्लोरेसेंस वेयर द मेन एक्सिस डज नॉट टर्मिनेट इन ए फ्लावर but it continues to grow and gives off flower laterally in acropetal succession. इसकी टाइप में रेसीम है या सिंपल इलोंगेटेड इंडिपेंडेंट इन्फ्लोरेसेंस विद स्टॉप्ड फ्लावर लाइक रेडिश प्रोटोलेरिया डेल्फिनी। पेनिकल है, इसके ये कैरेक्टर है। स्पाइक है, जिसमें यूजली अनब्रांच इलोंगेटेड सिंपल इनडिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस हुज फ्लावर्स आर सेसाइल। इसी तरह स्पाइकलेट है, जैसा ग्रासलेट में ग्रासेज में देखा आपने। द यूनिट ऑफ द कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द ग्रास कंपोज ऑफ ए क्लस्टर ऑफ वन और मोर फ्लावर्स एंड देयर एसोसिएट ब्रैक्ट्स। अभी डायग्राम लेंगे बच्चों तो इसमें और ज़्यादा समझ में आएगा आपको। स्पेडिक्स में यह है, जैसे मक्का में होता है, ये थिक फ्लैशी स्पाइक सब टेंडेड और सब सराउंडेड बाई स्पैथ। कोरियम में कंपाउंड कोरियम, कंपाउंड अम्बेल, इसको उदाहरण की सहायता से बच्चों आप याद रख सकते हैं। जैसे धनिया का है ओरिएंटल, एन अम्बेल विद ब्रांच्ड एक्सिस एंड ब्रांचेज बियरिंग द फ्लावर्स। इसी तरह से कैपिटुलम है, कैपिटेट है, साइमोस है, यूनिपेरस है, स्कॉर्पियोइड है, हेलोकोइड है, जैसे बिगोनिया में बाइपेरस है, मल्टीपेरस पॉलीचेज है, जैसे कि केलोट्रोपिस में। आंकड़ा जो आपने देखा है, ए डिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस इन विच द मेन एक्सिस एंड्स इन ए फ्लावर आफ्टर प्रोड्यूसिंग ए नंबर ऑफ टोटल एक्सिस ऑफ फ्लावर्स अराउंड इट। तो इस तरह का जो है ये मल्टीपेरस या पॉलीचेज कहलाता है, जो कि केलोट्रोपिस में है। अब हम अगर इसका डाइग्राम लेंगे बच्चों तो और ज़्यादा अच्छा, इसी वजह से हमें इसमें ज़्यादा डाइग्राम ऐड करे हैं, ये भी ध्यान रखें, तो उससे ज़्यादा अच्छा समझ में आपके आएगा। ये स्पेशल टाइप का साइथियम है,
उदाहरण से भी याद रख सकते हैं, जैसे यूफोर भी हम पाया जाता है, वॉटिस सिलेस्टर ओसीमम में, यानी कि जो तुलसी का पौधा घर में उगता है उसमें है। आइफेंथोडियम देखा आपने, देखा फिग गूलर जो होता है, पीपल होता है उसके अंदर है, फ्लैशी रिसेप्टेकल फॉर्म से कप लाइक कैविटी विद एन एपिकल ओपनिंग गार्डेड बाई स्केल्स। अभी डायग्राम लेते हैं बच्चे, फिर इसको वापस समझाएंगे और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये इस तरह से टाइप से, जैसा कि आपने देखा डायग्राम से लें तो ऐसे ये है। एंड इन्फ्लोरेसेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लावरिंग स्टेम। ये फ्लावर का स्टेम है, इस पर पुष्पों का अरेंजमेंट है, वह इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। जैसे ये फ्लावर है, इसका कैसा अरेंजमेंट है, इसको हमने इन्फ्लोरेसेंस या पुष्प क्रम दिया है, पुष्पों का क्रम, ये मीनिंग हो गया। ए टिपिकल पार्ट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इंक्लूड द पेडंकल, पेडेसिल, ब्रैक्ट और ब्रैक्टेट। जो टिपिकल पार्ट है ये होता है इन्फ्लोरेसेंस के, पेडंकल ये कहलाएगा, ये ब्रैक्ट है और ये पेडिसिल है। डिफरेंस माइनर सा है बच्चों, पेडंकल और पेडिसिल में ध्यान रखें। पेडंकल इज द स्टॉक होल्डिंग ए सॉलिटरी फ्लावर और सपोर्टिंग इन्फ्लोरेसेंस। सॉलिटरी फ्लावर के अंदर स्टॉक या फिर सपोर्टिंग जो है इन्फ्लोरेसेंस को करता है। पेडिसिल इज द स्टॉक सपोर्टिंग ईच फ्लावर, हर फ्लावर को जो सपोर्ट करेगा दैट इज कॉल्ड पेडिसिल। दोनों में माइनर सा डिफरेंस है, ये पेडिसिल हर एक का, ये टोटलिटी का पेडंकल है। और ब्रेक्ट आर द मॉडिफाइड लीफ लाइक स्ट्रक्चर है दैट सबटेंड एंड एफ एन इन्फ्लोरेसेंस। इसी क्रम में देर आर द पैटर्न ऑफ द फ्लावर ओपनिंग दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, लाइक सेंट्रिपिटल। सेंट्रिपिटल वह है जो अकर्स इन इनडिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस वेयर द आउटर फ्लावर्स ओपन फर्स्ट। ध्यान रखें, सबसे बाहर का फ्लावर सबसे पहले खुलता है, यानी ये सबसे सीनियर कह सकते हैं, ये अंदर वाला यंगेस्ट है, दैट इज द कॉल्ड सेंट्रीपिटल। सेंट्रीफ्यूगल में उल्टा होगा, अकर्स इन डिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस वेयर द इनर मोस्ट फ्लावर ओपन फर्स्ट। ये देखिए नंबरिंग में आपने वन कर दिया, इनर मोस्ट सबसे पहले खुलता, ये तो नंबरिंग डिफरेंट डायरेक्शन की होगी सेंट्रीफ्यूगल में सेंट्रीपिटल की तुलना में। इसी तरह से इन्फ्लोरेसेंस के टाइप है, रेसिम में ये प्रकार के सॉलिटरी स्पाइक रेसिम, अम्बेल, कोरिम, पेनिकल साइड, ये स्पेशल टाइप के कैपिटुलम, कैटकिन, वर्टिसिलेस्टर, ये सॉलिटरी फ्लावर्स आर सॉलिटरी व्हेन ए सिंगल फ्लावर इज टर्मिनल ऑन द पेडंकल। सॉलिटरी जब कहा जाता है उसको बच्चों, जब वह सिंगल ही लास्ट में होता है, टिप पे होता है। स्पाइक, स्पाइक इज एन इलोंगेटेड इन्फ्लोरेसेंस, ये एक इलोंगेटेड इन्फ्लोरेसेंस है, सिमिलर टू ए रेसिम एक्सेप्ट द फ्लावर्स लैक पेडिसिल, यहाँ पर पेडिसिल नहीं है। फ्लावर्स दैट एडहेयर डायरेक्टली टू द रेचिस विदाउट ए पेडिसिल आर टर्म्ड एज द सेसाइल फ्लावर। फ्लावर्स ओपन फ्रॉम द बेस टू द टॉप इन एन असेंडिंग पैटर्न। स्पाइक प्लांटेंस प्रोड्यूस द इलोंगेटेड स्पाइक विद मैनी फ्लावर्स टाइटली पैक्ड टूगेदर। ईच स्मॉल फ्लावर हैज पेपरी पेटल्स एंड सेपल्स विद प्रोट्रूडिंग वाइट स्टेमेंस दैट ओपन सिक्वेंशियली फ्रॉम द बेस ऑफ द स्पाइक टू द टॉप। कैपिटुलम, कैपिटुलम और हेड इज ए राउंड और फ्लैट टॉप्ड क्लस्टर ऑफ फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस कंटेनिंग मैनी इंडिविजुअल स्टॉकलेस सेसाइल फ्लावर अरेंज अराउंड द रिसेप्टेकल। इट इज सिमिलर टू ए स्पाइक दैट हैज बीन रिड्यूस्ड इन लेंथ, ब्रेक्ट एंड प्रेजेंट ऑफन आर इन्वोल्यूकर सराउंडिंग द रिसेप्टेकल। कैपिटुलम ये बहुत ही वेल नोन फ्लावर है, आपने देखा होगा बच्चों सनफ्लावर में, या आपने टेजेटिस जो करते हैं उसमें। ए कैपिटुलम और हेड इज ए मेंबर ऑफ द कंपोजिटिव फैमिली आर राउंड राउंडिश एंड कंटेन मैनी स्टॉकलेस सेसाइल फ्लावर अरेंज अराउंड द रिसेप्टेकल। इस रिसेप्टेकल के चारों तरफ पे कई सारे सेसाइल फ्लावर। द हेड्स कैन बी मेड ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ रे एंड डिस्क फ्लोरेट। हेड जो बना होता है रे और डिस्क फ्लोरेट, ये जो डिस्क फ्लोरेट बताए गए ये और ये बाहर वाले रे फ्लोरेट, इनका बना हुआ इसका हेड होता है इस फ्लावर का। द रे फ्लोरेट आर यूजली लार्जर एंड शोवियर देन द डिस्क फ्लोरेट।
बट ईच कैन में बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट इन ए मिक्सड हेड ऑफ द रे एंड डिस्क फ्लोरेट द आउटर रे फ्लोरेट आर यूजली स्टेराइल एंड फीमेल ओनली। या आप जो कंपोजिटी का जब हम पढ़ेंगे स्ट्रेसी का मतलब वर्गीकरण जब ये और ज़्यादा डिटेल में आएगा रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट के कैरेक्टर। यहाँ तो हम सिर्फ ये पुष्प क्रम पर ही ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह का ये कैपिटुलम होता है। स्टॉक्स एस्टर्स आर क्लियरली शोवर शोज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपोजिटिव फ्लावर। दिस इज द ग्रुपिंग ऑफ न्यूमेरस बैक्ट दैट सबटेंड एंड सराउंड द फ्लावर हेड इन कैपिटुलम। द कॉन इज द पर्पल कॉन इन एंड आउटग्रोथ ऑफ द ब्रैक्ट एंड दीज डिफर फ्रॉम द पेपल्स बिकॉज दे अराइज फ्रॉम द रिसेप्टेकल रादर देन दैट ऑफ द बेस ऑफ द पेटल ऑन ईच फ्लोरेट। ये कैपिटुलम हेड बताया गया है। इन सम प्लांट्स द पेपल्स इलोंगेट्स एंड एक्ट्स लाइक द पैराशूट। इस तरह से द अरेंजमेंट ऑफ स्पेस लाइट सेपल्स पेपल्स एकिन इज कॉल्ड द कैप्सुला। कैपिटुलम हेड फ्लावरिंग हेड शो द सेंट्रिपिटल फ्लावरिंग वेयर द आउटर फॉलआउट्स ओपन फर्स्ट एंड इनर मोस्ट फ्लावर लास्ट। कैपिटुलम हेड विद इन द स्पेसीज ए टिपिकल हेड ऑफ द मिक्सड रे एंड डिस्क फ्लोरेट शो ए चेंज इन द ऑल रे फ्लोरेट्स एज सीन इन द सनफ्लावर। कैपिटुलम यही कैपिटुलम के एक और टाइप है। इसमें क्राइजेंथेमम यू कैन सी द सम ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ द कलर्स भी इसमें अपन देख सकते हैं। क्राइजेंथेमम का ये है इस तरह के शेप दिखाई देता है। रे फ्लोरेट पैटर्न एंड फ्यूज टू फॉर्म स्पॉन्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। रेसिमो द रेसिम इज द इलोंगेटेड फ्लावरिंग स्टेम विद ईच सिंगल फ्लावर अरेंज इन द पेडिसिल एंड डिफरेंट पॉइंट ऑफ द पेडंकल। ईच फ्लावर यूजली ओपन सिक्वेंशियली इन ए पैटर्न ऑफ फ्लावरिंग फ्रॉम द बेस टू द टिप इज कॉल्ड असेंडिंग फ्लावर। रेसिमोस पेडंकल रेसिमोस कैन बी वेरी लॉन्ग एंड ऑर्नामेंटल मेनी ओवर द 12 inches लॉन्ग। अम्बेल अम्बेल का बहुत ही कॉमन फ्लावर है बच्चों, जो कि आपने अम्बेली फेरी धनिया में आपने देखा होगा। An umbel is a cluster of flower with a pedicel all emerging from the same point on the peduncle. Pedicel length is the same for each flower and therefore flowers open the same and nearly the same place. The outer side flowers open first and innermost in the last. इस तरह से ये अम्बेल का छाता जैसा उल्टा होता है बच्चों, उस तरह की फॉर्म के अंदर ये अम्बेली फेरी या धनिया में आप देख सकते हैं। बाजार जाए तो जैसे सब्जी मंडी में देखेंगे धनिया मिलता है, वहाँ आप देखें वहाँ आपको इजी वे में ही याद रह जाएगा। ये इस तरह से अम्बेल कंपाउंड एक कंपाउंड अम्बेल है। द न्यूमेरस अम्बेल रेडिएटिंग फ्रॉम द पॉइंट सिंगल पॉइंट एंड पेडंकल फ्रॉम द सेकेंडरी पेडंकल। इट इज़ ए कॉमन फॉर्म ऑफ द कैरेट फैमिली। क्यों ये पीएससी के अंदर ये कॉमन है। कोरिम्ब कोरिम्ब इज ए क्लस्टर ऑफ फ्लावर विद द पेडिसिल इमर्जिंग फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट। वहाँ सेम पॉइंट से था ये ध्यान रखें, और यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट से। देयरफॉर दे ओपन और नियरली द सेम फ्लैट प्लेन। द आउटर फ्लावर्स ओपन फर्स्ट एंड द इनर मोस्ट इन द लास्ट। दिस इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल फ्लावरिंग। ये पेनिकल प्रकार के हैं, इसी तरह से ये भी पेनिकल प्रकार के हैं। इस वाले के अंदर है ए पेनिकल इज ऑफन डिस्क्राइब एज अ ब्रांच रेसिम। हाउएवर इट इज अ ब्रॉड सेज ईच ब्रांच इन द पेनिकल में कंटेंट स्पाइक्स रेसिमोस एंड अम्बेल और ये स्पेडिक्स। स्पेडिक्स इज स्पेस लाइक स्पाइक फ्लावर इनफ्लोरेसेंस फाउंड इन सम मेंबर्स ऑफ द मोनोकोट्स कंसिस्ट ऑफ द स्वोलन पेडिसिल। ये स्पाइकलेट जैसा कि आपने देखा है कहीं ग्रासेज में बहुत कॉमन है आपके गेहूं में, जैसे आप देख सकते हैं गेहूं उगता भी है बच्चों अपनी साड़ोती बेल्ट के अंदर। द स्पाइक्स आर ए कॉमन इन्फ्लोरेसेंस फॉर्म ऑफ द ग्रासेज। इंडिविजुअल फ्लावर्स इन द स्पाइक्स और कॉल्ड एज द स्पाइकलेट्स। इंडिविजुअल को अपन करते हैं स्पाइकलेट। स्पाइकलेट आर द फ्लावर्स विद द टू ब्रेक्स कॉल्ड ब्लूम्स इन द ग्रास इन ग्रासेज। इस तरह से ये है बच्चों, और ज़्यादा डिटेल में आप देख सकते हैं। ग्रेमिनी का जब हम फैमिली पढ़ेंगे तब इसको और ज़्यादा हम लेंगे, ध्यान रखें। ग्रासेज स्पाइकलेट हैव द टू ब्रेक्स सबटेंडिंग द फ्लोरेट। द फ्लोरेट कंसिस्ट ऑफ वन और टू सबटेंडिंग लेमिना दैट कैन हैव एन ओन एट द टिप। अबव द लेमिना इज द इनर ब्रेक कॉल्ड द पेलिया। ये स्पाइकलेट इसका बताया गया है। कैटकिन कैटकिन में बी द मेल और फीमेल बट द मेल्स आर यूजली लार्जर बिकॉज दे हैव द मोर इंडिविजुअल फ्लावर। दे आर विंड पोलिनेटेड एंड यूजली ओपन प्राइट और विद द लीव्स इन द स्प्रिंग। साइम
The name cyme is determinate inflorescence, where the each pedicel ends in a terminal flower. Flowering is a centrifugal, where the innermost flowers open first, followed by the next outer flowers. Cyme simple. Cyme ये compound cyme है. Cyme rhyphidium. Rhyphidium is a monosaccharide cyme with a single alternating pedicel branches with terminal flowers finishing the same plant. Cyme helicoid, जो कि आप देख सकते हैं सोलेनम के अंदर भी. ए हेलिकॉइड इज ए मोनोसेजियल साइम विद ए सिंगल पेडिसिल ब्रांचेज विद टर्मिनल फ्लावर्स अरेंज इन ए कोइल्ड पैटर्न, ऑफन डिस्क्राइब एज द असेम रिजेम्बलिंग ए स्कॉर्पियन टैग. व्हाट इज सिलेस्टर, जो कि आपने तुलसी में देखा होगा बच्चों, अभी जाए तो घरों में तुलसी का पौधा होता है उसमें देखें. वॉल ऑफ द पेयर्ड एक्सिलरी डाइचेजिया साइम विद द ब्रेक्ट डायरेक्टली अंडर द फ्लावर्स रिपीटिंग द लॉन्ग एक्सिस रेचिस. साइथियम ये यूफोरबिया में है, कैंपस में भी ग्राउंड में देखने को मिल जाएंगे यूफोरबिया रिटा वेराइटी उसकी. साइथिया आर द यूनिक ऑफ द यूफोरबिया फैमिली, यानी यूफोरबियासी. दे आर द कप शेप्ड फ्लावर्स, इस तरह के कप शेप्ड फ्लावर्स हैं. फाउंड बाय द इन्वोल्यूकर ब्रेक्ट, दे आर ऑफन प्रोमिनेंट ग्लैंड सराउंडिंग और टू वन साइड ऑफ द एक्सटेंडेड ओवरी. दे आर द न्यूमेरस स्टेमेन एंड ए सिंगल ओवरी इन ईच फ्लावर. साइथियम यही बताया गया, ये वाला फ्लावर है बच्चों, देखें यहाँ पर दिख जाएगा, कैंपस में भी ग्रो हो रहा है, वहाँ भी देखें आप. ये बच्चों आगे हायर क्लासेस के लिए बुक्स हैं जो आप पढ़ेंगे, डेविस की है, मंडल की है, जी सी एम की है, प्लांट सिस्टमेटिक्स, वाई डी त्यागी क्षेत्रपाल की वेल स्टेब्लिश बुक है, वी एर नाइक की, ये बुक्स के इमेजेस. हमने बच्चों बुक्स इमेजेस दिखाने का इसलिए करा है शुरू, ना कि पहले ट्रेंड नहीं था, कि आप ऑनलाइन भी जब बुक्स का ऑर्डर कर सकें तो बुक देख सकें कि यही वाली वो बुक है. इस चीज़ का ध्यान रखें, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए बच्चों. थैंक यू.